नाम साकिब है और एक नए एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। परसों ही हमारा CS:GO रमजान ओपन लाइव खत्म हुआ, सही है, फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये फाइनल पे मैं बाद में आऊँगा। शुरू से शुरू करते हैं कि ये ख्याल कैसा है टूर्नामेंट का। CS:GO कम्युनिटी में जब जहाँ तक मुझे पता है कोई ऑनलाइन टूर्नामेंट नहीं हो रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना एक ऑनलाइन टूर्नामेंट कराया जाए, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाए मेरे चैनल पे खाना 2.0 पे। फिर हुआ ये कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने अपने दोस्तों से बात करी, हम लोग 2-3 लोग थे और हमने बोला कि एक टूर्नामेंट करवाते हैं, सही है, सब कुछ डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया। अब कहानी शुरू होती है जब हमने ये पोस्ट कम्युनिटी पे डाली। अब उस वक्त जब हमने पोस्ट डाली, उसके 2-3 घंटे बाद और भी टूर्नामेंट्स की पोस्ट आना शुरू हो गई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमने स्टेप उठाया तो लोगों ने उससे आगे मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी टूर्नामेंट कराना शुरू कर दिया, सही है। अब ये सब हो गया, टूर्नामेंट शुरू हो गया, टीम्स फाइनल हो गई और मतलब बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 3-4 दिन बाद सर्वर पे हमारे डीडॉस आना शुरू हो गया, अटैक होना शुरू हो गया। जो सर्वर्स पे होता है वो आप लोग ही समझ पाएंगे जो CS:GO वाले हैं, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। अभी सारा सीन हो गया, हमें कुछ पता था कौन टीम्स कर रही है कौन टीम्स नहीं कर रही, हमें पता था। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा टाइम दूँ मैं। अच्छा, ये सब हो गया। फिर आती है बात क्वालिफाई करने की। 2 टीमें स्टेट क्वालिफाई कर गई थी, MIK और स्लॉटर्स, पहले ग्रुप से स्टेट क्वालिफाई कर गई थी। स्लॉटर्स पर मैं बाद में आऊँगा, जो उनका अभी सीन हुआ है फाइनल में। ग्रुप बी से जहाँ से फतेह क्वालिफाई करी, वहाँ पर 4th टीम फंस गई थी। मैं किसी टीम का नाम नहीं लूँगा, एक मेरी टीम थी सेक्सी फाइव, उसका मैं नाम लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक दूसरी टीम थी जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई, और उसकी क्वालिफाई ना करने की वजह उनका मार्जिन था, उनका हारने का मार्जिन था। समझ लें कि दोनों टीम्स की हार बराबर थी, मतलब हारना दोनों टीम्स का बराबर था, दोनों 2-2 मैच हारते, लेकिन एक टीम का मार्जिन ज़्यादा था हारने का, तो इसलिए हमने दूसरी टीम को क्वालिफाई कर दिया। तब शुरू हुई है असल कहानी, सही है। मुझे अच्छे से याद है, मैं उठा और मेरे मतलब व्हाट्सअप मेरा पूरा गालियों से भरा हुआ मेरा पूरा व्हाट्सअप, सही, और ऐसी गालियाँ मैं बता नहीं सकता आपको। रमज़ान की बात है, अभी चल रहा था टूर्नामेंट। अच्छा, मैं ऐसे दिखा दूंगा आपको, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी टीम का नाम नहीं लूँगा, सब समझदार हैं, सबको समझ आ जाएगा, जो टूर्नामेंट में थे उनको तो पता है कि क्या सीन हुआ है। अच्छा, ये सारी कहानी हो गई, उनका मामला भी बंद हो गया। मुझे बेसिकली धमकी आना शुरू हो गई कि तुम्हारा कम्युनिटी में नाम आएगा, तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा, ये वो। तो भाई देखो यार, मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पहली बात ये, सही है। अच्छा खैर, वो सारा मामला ख़त्म हो गया, वो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन मुझे उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ कि ये हमारे प्लेयर्स की प्रोफेशनलिज्म है कि वो गालियाँ देने शुरू हो गए फ़ौरन, मतलब खुली गालियाँ ना, कोई है ही नहीं कुछ मतलब जैसे। तो खैर, वो सारा मामला ख़त्म हो गया, वो लोग यहाँ के हैं भी नहीं जहाँ तक मेरा ख्याल है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल्स हुए अच्छे से, फिर आए फाइनल्स हो गए, दोनों टीमें बहुत क्लोज खेली, मतलब 16-14 हुए दोनों में, बेस्ट ऑफ 3 था, लेकिन दोनों में फतेह जीत गया 16-14 से। मैं उस वक्त कर रहा था स्पेक्टेट और स्ट्रीमिंग, और मेरा जो बड़ा दोस्त था मेरे साथ, उसने मुझे पीछे से बोला कि यार कुछ बंडे दोनों में से किसी एक टीम में, मतलब अच्छा मेरे लिए भी टूर्नामेंट चल रहे तो बाद में देखेंगे। जब सब कुछ हो गया, फिर डेमोज आना शुरू हुए, उस टीम ने भी भेजे, फतेह ने भी भेजे, स्लॉटर्स ने भी भेजे, और जब मैंने स्लॉटर्स के डेमो देखे, मैं उनको नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन उनका फर्जू हैकिंग कर रहा था, और फिर अगले दिन कम्युनिटी पोस्ट आ गई कि फर्जू हैकिंग कर रहा है, और सवाल उठा मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट क्या कर रहा था। तो मैं आप लोगों को क्लियर एंड कट कह सकता हूँ कि इन्होंने पूरी टूर्नामेंट हैकिंग नहीं की, स्लॉटर्स वालों ने पूरी टूर्नामेंट हैकिंग नहीं की, मैंने खुद उनको एक्सपेक्टेड करा, इनकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी थी, मैंने इनकी तारीफ भी करी बहुत जगह, लेकिन बस फिर क्या कह सकते हैं, छोड़ दो। उन्होंने फाइनल में हैकिंग कर ली, फर्जू पक्के लॉक कर रहा था, जो कि सबको दिख रहा था। मैं खैर, मेरी कैप्टन से बात हुई और अब फाइनल डिसीजन ये हमारा कि स्लॉटर्स रनर अप नहीं है, रनर अप सेक्सी फाइव होगा, जो सेमीफाइनल में उनसे हारा था। स्लॉटर्स तो स्लॉटर्स मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए, ये सारा सीन हुआ। अब इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि फतेह विनर है और जो रनर्स अप है वो सेक्सी फाइव है, जो कि सेमीफाइनल में स्लॉटर्स से हारा था, ये सारी कहानी हो गई। तो भाई देखो, मेरी बात सुनो यार, इसके एंड में मैसेज क्या जाता है, देखो यार, हर बंदे के अंदर एक, स्लॉटर्स वाले मुझे गालियाँ दे सकते थे, फतेह वाले मुझे गालियाँ दे सकते थे, उन्होंने गालियाँ नहीं दी मुझे, ये होती है प्रोफेशनलिज्म। उन्होंने एविडेंस ला के मुझे दिखाया कि भाई ये सीन है, और फिर उन्होंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया, जो कि जाहिर सी बात है मैं उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका ना, जाहिर सी बात है, और मैं क्यों करूँगा। अब पहले तो मुझे हैकिंग पकड़नी चाहिए थी, मुझसे नहीं पकड़ी गई, मेरी गलती थी इसमें, और जहाँ जहाँ मेरी गलती थी पूरी टूर्नामेंट मैंने वहाँ वहाँ सॉरी बोला, और इस बात की सारी टीम्स गवाएं, तो
ये ऐसे आके बात करने का मतलब ये कि भाई देखो हम यहाँ पे हाजिर हैं, हमसे जो गलतियाँ होंगी हम उसका जवाब देंगे, तो आप भले जो करना चाहते हो आप कर लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अब फाइनल बात ये कि स्लॉटर वालों ने बहुत गलत किया, उनकी अपनी टीम का नाम खराब हुआ फर्जू की वजह से, एक बंदे की वजह से। तो खैर अब तो मेरे ख्याल से बैन पड़ेगा उसी प्रोफाइल पर, और मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन जो हमारा टूर्नामेंट हुआ उसकी विनर फतेह, और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई वो होती रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया मतलब बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कोशिश तो की एटलीस्ट, तो दैट्स इट। और आई होप के मतलब कोई अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह ना रह गई हूँ, और अगर हैं तो मैं हाजिर हूँ, रोज स्ट्रीम करता हूँ अपने चैनल पर। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।